नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये 18वें दिन का वीडियो है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दे को एक बार फिर लेकर चलते हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत कुछ देख रखा है। यहाँ फुटकर चीजें हैं, मतलब आप देखें इसमें पहले भूजैव रासायनिक चक्र को और उसी क्रम में अन्य चीज़ों को। तो ये जो भूजैव रासायनिक चक्र है ये असल में है क्या और इसके अंदर कौन कौन से चक्रों का वर्णन किया जा सकता है। सबसे पहले है जल चक्र जो कि महत्वपूर्ण है और जल चक्र के विषय में आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल के साथ तालमेल है, पृथ्वी के चारों ओर उसके गुरुत्व की वजह से वायुमंडल है आप जानते ही हैं और वो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण। तो ये जल एक निरंतर अभिगमन है और सौर ऊर्जा से ये नियंत्रित होता है। अगर सूर्य का प्रकाश न हो, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता न हो तो पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यानी जल चक्र धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। और हमारे ग्रह पर जल वायुमंडल, महासागरों, झीलों, नदियों, मृदा, हिम पर्वतों यानी जो बर्फ की चट्टाने होती हैं और बर्फीले मैदान, इन सब से प्राप्त होता है। जमीन में जो संचित जल है, भूजल है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के प्रमुख जलाशयों में ये सब जो है ये असल में क्या है, जलाशय। जलाशय का मतलब सिर्फ तालाब या समुद्र नहीं होता है, जो भी जल को धारण करे वो जलाशय है, जल का निवास स्थान अर्थात जलाशय। तो ये सब जो जलाशय हैं इनमें जल संग्रहित है अलग अलग रूपों में। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, उत्तोलन, वर्षा, निक्षेपण, अपवाह, रिसाव और भूजल प्रवाह की जितनी भी प्रक्रिया है, सिर्फ यही नहीं है और भी बहुत सारी हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ही देखेंगे। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय के बीच में होता है। मतलब ये नहीं कि एक नदी से दूसरी नदी के बीच में होता है, एक झील से दूसरी झील के बीच में होता है। इसका ये भी मतलब है कि एक जलाशय अर्थात वो जलाशय बादल भी हो सकते हैं, वो हिमानी भी हो सकती है, वो तालाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो जल को धारण करे वो जलाशय। तो यहाँ एक जलाशय से दूसरे जलाशय के बीच में होता है। तो यहाँ तक तो हमने एक सामान्य इसकी पृष्ठभूमि देखी। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का जलीय ग्रह है, पानी की अधिकता है और इसी वजह से जब अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, नीला ग्रह। तो ये पानी की उपलब्धता की वजह से है। करीब इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, हालांकि उसमें से हमारे इस्तेमाल करने योग्य पानी बहुत थोड़ा सा है और इसकी बहुत अल्प मात्रा सिर्फ जो उपलब्ध है वो पौधों और जंतुओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत ही अल्प है तुलना अगर करें महासागरों में इकट्ठे जल से। तो और पानी पृथ्वी के सतह पर समान रूप से वितरित भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब जगह एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, ऐसी इसमें चीज़ें नहीं दिखाई देती। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% हिस्सा यानी 95% पार्ट रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है। रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है मतलब वो उनके केमिकल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, वहाँ से हम उसे अलग नहीं कर सकते, उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये चक्रित नहीं हो पाता, मतलब ये वाटर साइकिल में शामिल ही नहीं होता है। और इसका अमाउंट कितना है, 95%। और 5% हिस्सा बचता है, जो यहाँ आप देखें 5% हिस्सा जो जल का बचता है उसका लगभग 97.3% यानी 97.3% ये समुद्र में संग्रहित है। जो हम समझते हैं ना कि 2/3 में मैक्सिमम समुद्र का ही है तो वो गलत चीज़ है, उसका तो अधिकतम पार्ट जो है वो चट्टानों में स्थिर है जो कि बॉन्ड के अंदर है, केमिकल बॉन्ड के अंदर है और वहाँ से बाहर नहीं आ सकता है यानी चक्रण में शामिल नहीं हो सकता है। बाकी जो 5% है उसमें से अगर हम देखें तो उसमें से 97% लगभग आसपास ये महासागरों के अंदर है और जो बचा हुआ है उसमें 2.1% ये ध्रुवीय हिमछत्रक जो है मतलब ग्लेशियर है उनके अंदर है, ध्रुवों पर जो ग्लेशियर स्थित है, स्थायी बर्फ जमा है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो सिर्फ 0.6% केवल 0.6% पानी ही जो वायुमंडलीय जल वाष्प है उसके रूप में आता जाता रहता है, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है, वो वाष्पीकृत होता है, संघनित होता है, बरसता है, फिर वाष्पन होता है, ये चलता रहता है। तो कितना थोड़ा अमाउंट है ये आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण ये दोनों ही मतलब सूर्य का प्रकाश और गुरुत्व बल जो कि पृथ्वी के पास है
ये दोनों ही जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं, मतलब गुरुत्व का प्रभाव इन्हें नीचे की ओर खींचता है और सौर ऊर्जा इन्हें वाष्पीकृत करके ऊपर स्थानांतरित करती है, तो ये चलता रहता है। वाष्पीकरण और संघनन जल चक्र में निहित प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिससे कि स्थल का पानी भाप बनकर उड़ता है और वो आसमान में बादल बनता है, फिर बादल जो है वो जब संघनित होते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है, तो वर्षा की बूंदें तैयार होती हैं और वर्षण होता है, तो ये चलता रहता है। अब यहाँ ये भी बताया गया कि ये एक दूसरे का स्थान लेती हैं, तो एक प्रक्रिया होती है फिर उसकी जगह उसका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जल का औसतन 84% भाग समुद्री सतह से वाष्पीकृत होता है। वाष्पन के लिए भी एक बड़ी पानी की सतह चाहिए, तो वो बड़ी सतह समुद्रों में उपलब्ध हो जाती है, तो 84% तो वहीं से वाष्पित होता है, जबकि 77% भाग अवक्षेपण के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। 77% ही सिर्फ पुनः प्राप्त होता है, अवक्षेपण के द्वारा उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, और 7% हिस्सा पानी का पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुँच जाता है। जो पृथ्वी की सतह है वहाँ से भी वो ढाल की ओर बहेगा और किसी गड्ढे में या किसी स्रोत में इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से वो प्रवाहित होकर हो सकता है नदी तक जाए। कुछ जो है वो जमीन के द्वारा सोख लिया जाएगा। नदियों का जो पानी है वो नदियाँ प्रवाहित ही होती हैं समुद्र की ओर। छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलती हैं और जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो आमतौर पर समुद्र में ही जाकर गिर जाती हैं, तो सारा पानी अंततः समुद्र में पहुँच जा रहा है। तो ये जो समुद्र में पहुँचने वाला पानी है ये समुद्र के वाष्पीकरण से हुए घाटे को पूरा करता है। पूरा एकदम 100% तो नहीं कर सकता कि जितना समुद्र ने वाष्पन किया उतना उसको वापस पानी के तौर पे मिल जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट मिल जाता है, तो बैलेंस बना रहता है। पृथ्वी पर वाष्पन 16% तथा अवक्षेपण 23% होता है, यही संतुलित अवस्था है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई हैं। बहुत ही भयंकर खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है और ये इतना दूर भी नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारे मतलब हमारे इस जीवन काल में तो ऐसा होने वाला नहीं, उसके बाद होगा तो हमारी आगे की पीढ़ियाँ उसको झेलेंगी, ऐसा नहीं है, हम अपने जीते जी ही इसको देख पाएंगे। इस विनाश की शुरुआत जो है वो हमारे जीते जी ही होगी। अब यहाँ जल चक्र को आप देखें, चित्र में बढ़िया चित्र है और इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए पानी है और ये हिम और बर्फ जो है ये असल में क्या है, पानी का जमा हुआ रूप है, फ्रीज स्टेट है इसकी। यहाँ पिघली हुई बर्फ, ऐसा तो है नहीं कि जो बर्फ डिपॉजिट है वो सब पिघल जाती है, सब नहीं पिघलती है लेकिन कुछ मात्रा में पिघलती है। आपने सुना होगा ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और तेज़ी से पिघल रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि पृथ्वी के औसतन जो वार्षिक तापमान है, वैश्विक तापमान है, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही। तो यहाँ जो हिम और बर्फ है वो धीरे धीरे करके पिघलती है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उतना फिर उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब जो तेज़ रफ्तार इनके पिघलने की हो गई है उससे ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और महासागर में जल का स्तर बेहिसाब बढ़ जाएगा। जो संतुलित रहता है तो उसमें एकदम से इफरात वृद्धि हो जाएगी और इससे आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो लैंड एरिया है, वो डूब जाएगा। पहले से ही काफ़ी कम है, महासागर ही ज़्यादा मात्रा में है और अभी समुद्र उन सबको भी निगल जाएगा। अब यहाँ होता ये है कि ये जो बर्फ़ है ये पिघलती है और यहाँ से पिघली हुई बर्फ़ से पानी बह के निकलता है। जैसे आप देखते हैं ना गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर हैं, तो वहाँ से गंगा और यमुना की जो मुख्य धाराएँ हैं उनका उदय होता है। तो इस तरीके से नदियों का निर्माण होता है और ये नदियाँ जो हैं इसमें वर्षा का जल भी इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बर्फ़ से ही पानी प्राप्त करती हैं। आप देखते हैं ना जब पानी वर्षा बरसात का मौसम होता है तो नदियों में पानी एकदम एक अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर डैम के फाटक खोले जाते हैं, नदियों का पानी छोड़ा जाता है और बेहिसाब बाढ़ आती है, बाढ़ के प्रकोप से हम लोग वाकिफ हैं। तो वो स्थिति भी होती है, यानी वर्षा का पानी भी इनमें आकर मिलता है और कुल मिलाकर इस तरह से नदी का पूरा जो स्वरूप है वो तैयार होता है और नदी जो है वो ढाल खोजकर नीचे की ओर बहती है चट्टानों को काटते हुए चीरते हुए। तो इस तरह से नदी का प्रवाह अंत में क्या करता है, कुछ जगहों पर निर्मल जल का संग्रह इसी की वजह से हो जाता है, जहाँ गड्ढे थे वहाँ पानी रुक जाता है और अंततः ये जाके समुद्र में मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ समावेशन को आप देख रहे हैं और समावेशन का मतलब ये है कि जब वर्षा का जल जमीन पर पड़ता है तो इसका यही मतलब नहीं होता है कि सिर्फ नदी में जाएगा, वो जमीन पर भी पड़ता है तो जमीन यानी मिट्टी उसको सोखती है, तो अंदर वो समावेशित होता है और अंदर ही अंदर भूमिगत जल का भी जो प्रवाह है वो भी होता रहता है। मतलब एक हद से ज़्यादा अगर नमी जमीन में हो जाए तो वो धीरे धीरे करके रिस के किसी नज़दीकी जो ढालू स्रोत होता है वहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी पानी उसमें से हल्का हल्का रिसता रहेगा, तो वो जो भूमिगत जल का प्रवाह है वो भी। तो ये आपने देखा। इसके बाद भूमि पर जो सतत प्रवाह है, वायुमंडल में जल संचित हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो उसके बाद जो वर्षण की प्रक्रिया है उसकी वजह से भूमि जो जमीन की ऊंचाई है वहाँ से वर्षा का पानी बहते हुए ढाल की ओर जाता है, तो
तो वो प्रत्यक्ष तौर पर भी महासागरों में जा सकता है। एक प्रस्वेदन की प्रक्रिया है जो कि इसे वायुमंडल में वापस पहुंचा रही है। वाष्पीकरण तो मुख्य प्रक्रिया है ही। द्रवीभवन भी होता है। द्रवीभवन का मतलब कि अद्रव के रूप में रूपांतरण, और अंत में कुल मिलाकर ओवरऑल सारा पानी घूम फिरकर महासागर में पहुंच जाता है और यहीं से फिर बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण होता है। तो ये प्रक्रिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंजन का काम करते हैं सूर्य। ठीक, ये पूरे इकोसिस्टम का इंजन है जो कि संचालित करता है, ऊर्जा का स्रोत यही है। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि उसी जल चक्र के विषय में ही आगे कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कि जल वाष्पित हो जाता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है और उसके पश्चात नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में बह जाता है, इसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है। अगर जल चक्र को कोई परिभाषित करने के लिए कहे तो सिर्फ दो लाइन में आप परिभाषित कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लंबा इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा की अगर बात करें, जैसे ही पानी घुलनशील खनिज युक्त चट्टानों के ऊपर से बहता है तो कुछ मात्रा में वो खनिज लवण भी अपने साथ घोल कर ले जाता है। तो इससे क्या है, पानी में न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, यानी पोषकता बढ़ जाती है, और इस प्रकार से नदियों के अंदर जितने भी पोषक पदार्थों की कमी हुई थी वो पूर्ण हो जाती है, और नदियों के अंदर पोषक तत्व जो है वो अंततः समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र के अंदर भी जो इस तरह की कमी थी वो पूरी होती रहती है। तो ये भी एक फायदा है। जल चक्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, यही एकमात्र इसका इंजन है। आपने पीछे देखा, सौर विकिरण महासागरों, झीलों, नदियों और यहाँ तक कि मिट्टी से भी पानी को वाष्पित करके इस चक्र को संचालित रखता है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए आपको उसे एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल करके आप उसे ऊर्जा दें या सौर ऊर्जा दें, तो एनर्जी के बिना वो नहीं चल सकती। शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तभी वो चल सकता है। तो ठीक वैसे ही हमारे इकोसिस्टम को भी एनर्जी की आवश्यकता है हर पड़ाव पे। तो ये जो भूजैव रासायनिक चक्र हैं ये बिना ऊर्जा के संचालित नहीं हो सकते हैं, विशेष रूप से जल चक्र। तो पानी की बूंदें और बादल बनते हैं, कुल मिलाकर संगणन की प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है, जहां पानी की बूंदें पर्याप्त द्रव्यमान जब प्राप्त कर लेती हैं, यानी इतनी भारी हो जाती हैं कि पृथ्वी का गुरुत्व उन्हें अपनी ओर खींच ले, तो ऐसी स्थिति में वो बरस जाती हैं, पृथ्वी पर वापस गिरकर वर्षा उत्पन्न करती है। कल्पना कीजिए कि अगर गुरुत्व बल न होता तब क्या होता। तो ये सब कुछ जो है ये हवा में टंगा रहता, आसमान में ही अटका रहता, जमीन पर आता ही नहीं। अब नाइट्रोजन चक्र को देखिए। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। अधिकतम अमाउंट तो इसी का है, बाकी थोड़े में बाकी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन की इतनी बड़ी मात्रा ये वायुमंडल में मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन चक्र में कैसे शामिल होती है, यानी ये पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो दो मुख्य प्रक्रियाएं इसकी होती हैं। वैसे तो कई सारे कारक होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार भी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रोज ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है या हमेशा ही ऐसा चलता रहता है। तो मिट्टी तक नाइट्रोजन के पहुँचने की स्थिति क्या है, ये वायुमंडल में उपस्थित होती है। और आप ये भी जानते हैं कि वायुमंडल जो हमारा है, यानी हमारा जहाँ गैसों का पूरा आवरण है पृथ्वी को घेरे हुए, उसमें नाइट्रोजन के बाद जो दूसरे बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली गैस है वो ऑक्सीजन है। और जब बाहर आसमान में बादल घिरते हैं, बादलों का बड़ा समूह इकट्ठा होता है और बादल आपस में टकराते हैं, तो आप देखते हैं ना कि खूब तेज चमक होती है, यानी बिजली चमकती है और भयंकर गड़गड़ाहट होती है। तो ऊपर क्या सिचुएशन होती है, ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, एक्सट्रीम लेवल का, जिसे कि आप ऐसे महसूस भी नहीं कर सकते। वो ऊपर बहुत ज़्यादा भारी तादाद में पैदा होता है और ऐसा माहौल तैयार कर देता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलने लगते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों का, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वो वर्षा की बूंदों के साथ ज़मीन पर पहुँचते हैं। और ज़मीन में जब पहुँचते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और वो पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या जो भी काम में आता है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ वही बताया गया, 78% पार्ट तो नाइट्रोजन ही है, और नाइट्रोजन भी जीवन के लिए आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है। मतलब जो जीवन अणु है, अर्थात हमारी कोशिकाओं का जो मुख्य पार्ट है या मुख्य अवयव है, उसमें नाइट्रोजन के बिना काम ही नहीं चलने वाला है। हालांकि और भी तत्व हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी उसमें मुख्य तत्व है। तो प्रोटीन, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए, जिसके बिना शरीर बनेगा ही नहीं, बनने की शुरुआत ही यहीं से होती है। और कुछ विटामिन भी, इसमें नाइट्रोजन की महती भूमिका होती है। तड़ित चालन के समय, यानी जब बिजली चमकती है, कड़कड़ाती है, मतलब बादल कड़कड़ाते हैं, गरजते हैं, तो उस समय हवा में बनाए गए उच्च तापमान और दबाव के कारण, जैसा कि आपको बताया, जब बादल आपस में टकरा रहे हैं तो वहाँ पर जो संघट उनका हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। कैसे होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी है, और ये ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर
नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं। जो यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड होते हैं, ये अम्ल हैं। और बारिश के पानी के साथ ये डाइल्यूट होते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेट अवस्था में नहीं होते हैं, सांद्र नहीं होते, इनका डाइल्यूशन होता है और उसके बाद तब ये जमीन पर पहुँचते हैं। और पौधे आमतौर पर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। पौधों का काम देखिए इसमें क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण करना और उन्हें अमीनो अम्लों में बदलना, जो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन्हीं अमीनो अम्लों की आवश्यकता हमें होती है, तो प्रोटीन उसी से बनता है, तो इसलिए पौधों का इसमें बीच में बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है और मानव सहित जितने भी जीव हैं जिनके अंदर जीवन है, पौधे भी, उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता होती है मोटे तौर पर। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में और ठोस से फिर से गैस में कन्वर्ट होती है। मतलब CO2 की भी यही प्रवृत्ति थी और नाइट्रोजन की भी यहाँ पर वही प्रवृत्ति दिखाई देती। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन का चक्रण समस्त सजीवों के लिए आवश्यक है, मतलब महत्वपूर्ण है ये कहना आवश्यक रहेगा। और नाइट्रोजन चक्र के लिए 5 प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें जो 5 स्टेप हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला जो स्टेप है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की जा रही है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी वो पानी के साथ ऑक्साइड बनाकर, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाकर डाइल्यूट होकर पहुँचती है मिट्टी तक। अब उसके बाद उसका स्थिरीकरण करना है, तो इस प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित है और यह अमोनिया पौधों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। वायुमंडलीय स्थिरीकरण जो होता है उसमें बिजली का चमकना मुख्य भूमिका निभाता है, दहन और ज्वालामुखी गतिविधियां भी मुख्य भूमिका निभाती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बहुत भीषण मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन से जुड़ी हुई जो ऑक्साइड है वो रिलीज होती है गैसों के रूप में और वो वायुमंडल तक पहुँचती है, तो ये स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। इसके बाद औद्योगिक स्थिरीकरण भी होता है, उच्च तापमान अर्थात 400 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, और उच्च दाब यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे अधिक। इस पे ये जो सिचुएशन है इस पे आणविक नाइट्रोजन परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन के जो अणु हैं वो परमाणुओं में टूटने लगते हैं, इसका ये मतलब। तो ऐसे में हम औद्योगिक स्थिरीकरण को समझ पाते हैं। जीवाणु स्थिरीकरण में बड़ी भूमिका निभाते हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए, दो प्रकार के जीवाणु हैं, एक तो सहजीवी बैक्टीरिया, जैसे कि दलहनी फसलों की जो ग्रंथिकाएं होती है, मतलब गांठ होती है, उसमें राइजोबियम पाया जाता है, वो ये काम करता है। और मुक्त रूप से सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक का भी यही काम है। और एजेटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ये सब वायुमंडलीय अथवा घुलित नाइट्रोजन, जो घुलनशील नाइट्रोजन होती है उसको हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया बनाते हैं। देखिए इनका कितना बड़ा रोल है, छोटे छोटे जीव हैं ये, बहुत छोटे, लेकिन इनका रोल जो है वो इतना बड़े पैमाने पर है कि इससे पूरा नाइट्रोजन चक्र संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का जो अगला स्टेप है, 5 स्टेप में हमने देखा था, तो ये दूसरे नंबर का है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोनोमास और नाइट्रोकोकस जीवाणुओं के द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ परिवर्तन किस रूप में होता है, नाइट्रेट में होता है और नाइट्राइट में होता है। जीवाणुओं के नाम आप याद रखिएगा। मृदा में पाया जाने वाला एक अन्य जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, पूछ लेगा कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है। अब नीचे कुछ मिलते जुलते 4 नाम आपको दे देगा, उसमें से आपको नाइट्रोबैक्टर को चुनना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद अगला है स्वांगीकरण, यानी आत्मसात करने की प्रक्रिया, अंदर सोखने की प्रक्रिया। तो ये स्वांगीकरण हमारे पाचन तंत्र में भी होता है, भोजन का जो पोषक तत्व है उसको शरीर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करता है वो आप पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पौधों के बारे में देखें, तो इस प्रक्रिया में पौधों के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं जैसे कि प्रोटीन, DNA, RNA यानी जो न्यूक्लिक एसिड के पार्ट हैं उनमें परिवर्तित की जाती है। और ये अणु पौधे तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं, कोशिकाएँ बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, पूरा शरीर इसी से बनता है। अमोनीकरण को देखें आप, तो अमोनीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें सभी जीवधारी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी नाइट्रोजन इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो सब ये इस्तेमाल ही कर लेंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो वो यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में इकट्ठा होता है जो कि शरीर से छान कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह अपशिष्ट पदार्थ जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। वो तब होता है जब जीव मर जाता है, तो जो बैक्टीरिया उसके शरीर के अपघटन अपरदन में काम करते हैं वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाती है अमोनीकरण। और अमोनीकारक बैक्टीरिया इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं।
इसके बाद विनाइट्रोजनीकरण है या विनाइट्रीकरण आप इसे कहिए, तो नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना। यहाँ ये कहा जाता है कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, नीचे चार विकल्प आपको दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रेट का फिर से गैसीय नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में जैसी अवस्था में नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट होना, यही प्रोसेस कहलाता है विनाइट्रीकरण, यानी नाइट्रीकरण का उल्टा प्रक्रिया ये। और विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जो जल तालिका है यानी जल स्रोत है उसके पास में रहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन में ये टिक नहीं सकते। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है, दोनों रिवर्सिबल हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। आगे चलते हैं, यहाँ आप चित्र देख पा रहे हैं वही चीज़ जो अभी तक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन था उसी को यहाँ चित्र के जरिए दर्शाया गया है, और नाइट्रोजन साइकिल का जो चित्र होता है थोड़ा उलझा हुआ होता है। यहाँ आप देखें कि जो नाइट्रोजन है वो कैसे एक चक्र से, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रही है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो पौधों तक पहुँची, मतलब मिट्टी तक पहुँची, कैसे पहुँची उसमें आपने पीछे देखा था, तड़ित चालन मुख्य भूमिका निभाता है, यानी बिजली चमकती है, बादल टकराते हैं, वहाँ ताप और दाब की परिस्थितियाँ बनती हैं, और वहाँ से फिर वर्षा के जल के सहारे वो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो नीचे उतरते हैं। अब फल जो फलीदार पौधे होते हैं दलहन आमतौर पे, तो उनकी जड़ों में रहने वाले और उनकी गांठों में रहने वाले नाइट्रोजन यौगिकीकरण बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण शुरू करते हैं, और उसके बाद इन्हें खाने वाले कुछ जीव हैं दलहन खाने वाले, उनकी पत्तियों का सेवन करने वाले। इसके साथ साथ मिट्टी में रहने वाले जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अमोनियम है, मतलब NH4 की बात हो रही है, और अपघटनीय जीवों की भी बात कर सकते हैं, पौधों को जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसका वो इस्तेमाल करते हैं, फिर पौधों को खाने वाले जो जीव हैं उन्हें वो नाइट्रोजन प्राप्त होती है यौगिक के रूप में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं प्राप्त होती है, यहाँ तक आते आते यौगिक बनने लगते हैं और कई सारे बनते हैं। यहाँ पर आत्मसातीकरण होता है यानी वही स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये नाइट्रेट है NO3 और ये नाइट्राइट है, यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो कुल मिलाकर ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है, यहाँ से ये नीचे उतरी थी और फिर वापस वायुमंडल में पहुँच गए। यहाँ तक हमने नाइट्रोजन चक्र को देखा है, और भूजैव रासायनिक चक्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे आप जानते ही हैं कार्बन चक्र है और सल्फर चक्र है, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको भी हम देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम भारतीय कला और संस्कृति में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो लोक नाट्य कला, हमने पीछे लोक नृत्यों को देखा था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर लोक नाट्य कला, नाटक नौटंकी जो अपने समाज में होता है मनोरंजन के उद्देश्य से होता है, क्योंकि इंसान हमेशा सिर्फ पेट भरने वाला जुगाड़ ही नहीं कर सकता है, वो ऊब जाता है एक जैसी जीवन शैली से ऊबने लगता है, तो उसे थोड़ा रास रंग चाहिए होता है, मनोरंजन सबको चाहिए होता है, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी चाहिए होता है, वो अपने तरीके से करते हैं, मतलब जो अन्य जीव हैं। तो मनुष्य चूँकि पहले शुरुआती ग्रामीण जीवन ही जीता था, गाँव ही शुरुआती कड़ी है, बाद में शहरों का विकास होता है चाहे कोई भी सभ्यता रही हो, तो गांव के लोग जो थे वो नाटक नौटंकी में अपना भाग भी लेते थे और उसको देखकर मनोरंजन भी करते थे, ये उनके मनोरंजन का एक बढ़िया साधन था। उसके अलावा संगीत और वाद्य, ये दोनों ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तो संगीत का भी इसमें समावेश होता है नाटक में, नृत्य का भी समावेश होता है, और वाद्य यंत्रों की भी प्रचुरता होती है, ये तीनों ही एक साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, और साथ में कहानी भी चलती रहती है। तो भारतीय लोक नाट्य कला जो है काफ़ी रंगीली है, सुंदर है, और व्यापक रूप से इसे तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं, पहला तो अनुष्ठानिक होता है, दूसरा मनोरंजन के उद्देश्य से होती है, अनुष्ठानिक का भी उद्देश्य मनोरंजन ही होता है, अंततः उसका जो मेन टारगेट है वो मनोरंजन है, और लोगों को जागरूक करना किसी चीज़ से, किसी खास चीज़ से जो कि पवित्र है उससे परिचित कराना। और दक्षिण भारतीय नाट्य कला को अलग ही डाल दिया गया है क्योंकि इनकी अलग शैली, तो कुल मिलाकर मनोरंजन इनका उद्देश्य है। अनुष्ठानिक नाट्य कला में अंकिया नाट आता है, रामलीला, रासलीला, भूत आराधना, रमन और इस तरह की जितनी, कृष्ण लीला भी इसी में आती है, जैसे रामलीला इस समय चल रही है, ये मौसम जो है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और साथ में रामलीला, दशहरा नज़दीक ही है आप जानते हैं, अक्टूबर में है, मतलब 5 तारीख को, तो ऐसे में रामलीला वाला मौसम आप देखिए कि किस प्रकार से मंचन होता है, कलाकार जो है वो संवाद बोलते हैं, मंच सजा रहता है, लोग बैठ कर देखते हैं, आजकल तो वहाँ स्थान पे जाके रामलीला देखने का चलन ही एक तरह से ख़त्म हो गया है, लोग नहीं जाते हैं, कहीं कहीं इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज़ खाली ही रहता है, नहीं तो जब टीवी और मोबाइल का आविष्कार इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, आविष्कार तो हो ही चुका था ये कहना सही नहीं रहेगा, मतलब प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो लोग ऐसे भीड़ जुटा कर आते थे, पूरा अपना बैठने का बंदोबस्त करके आते थे, शाम को आते थे और सुबह जाते थे, कहीं सुबह भोर में जब रामलीला ख़त्म होती थी तब जाते थे,
और गांव की रामलीला तो और रोचक होती थी क्योंकि गांव के लोग ही उसमें पार्ट करते थे। राम लक्ष्मण जानकी जी का किरदार गांव के ही लड़के निभाते थे, तो उन्हें देखने के लिए और आनंद आता था। लोगों को लोग इकट्ठा होते थे, कुछ बंदर बन के उछल कूद करते थे, तो उससे भी लोगों को मजा आता था। तो ये काफ़ी रोचक होती थी। और रावण और पूतना और मेघनाथ जैसे जो लोग हैं, कृष्ण लीला है तो उसमें पूतना और इस तरह के जो पात्र होते थे वो भी गांव के ही लोग होते थे। जो बड़ा और काले रंग का होता था उसको रावण बना देते थे, तो ऐसा होता था। अब कुल मिलाकर यहाँ मनोरंजन करना उद्देश्य था, तो अंकिया नाट भी उसी में आता है। हम लोग रामलीला और रासलीला को देखते हैं, तो भूत आराधना ये भगवान शिव से संबंधित है। रमन भी उसी में आता है, क्षेत्रीय है, अंकिया नाट भी उसी में आता है। ये सब अनुष्ठान के तौर पे, खास त्यौहार के आसपास, खास तिथि के आसपास आयोजित किए जाते हैं। मनोरंजन के उद्देश्य से क्या होता है, तो मनोरंजन वाले जितनी भी नाट्य कला है उसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। आप देखते हैं कि रामलीला हमेशा नहीं की जाती है, रामलीला का यही वाला मौसम है जो इस समय चल रहा है। ये कहीं कहीं जो है वो पितृपक्ष जो पीछे चला है, श्राद्ध पक्ष, वहाँ से शुरू होती है और दीपावली तक चलती है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ती है, उसके आगे फिर समाप्त हो जाती है। तो ये मनोरंजन वाली जो नाट्य कला है इसको कभी भी जब मनोरंजन की इच्छा हुई तब शुरू किया जा सकता है। तो इसमें भवई, दसकठिया, गरोड़ा, जात्रा, करियला, मांच, नौटंकी भी है, ओजापाली, पंडवानी, पोआडा, स्वांग, तमाशा, बिल्लू पट्टू, भांड पाथेर, ये क्षेत्र के हिसाब से नाम अलग अलग है, लेकिन ये सब है नाट्य कला। दशावतार, भांडलीला लोग कहते हैं, तो ये सब आता है। दक्षिण भारत में कौन कौन सा है, तो यक्षगान है, बुर्रा कथा है, पगती है, वेशालु है, बायलता है, तालमंडाले है, थेयम, कृष्णट्टम और कुरुवंजी है, ये सब नाम है। तो ये सब क्या है, नाट्य कला है और लोक नाट्य कला है, मतलब जो लोक संस्कृति है उससे जन्मी हुई। अब नाट्य कला दिया है, राज्य दिया है और जुड़े हुए तथ्य दिया है, जहाँ से आप प्रश्न अपने देख सकते हैं, मतलब इसमें से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो पहले हमने देखा था अंकिया नाट जो कि अनुष्ठानिक था, तो ये असम वाले क्षेत्र में होता है और ये परंपरागत एकांकी कला है। एकांकी मतलब सिर्फ ऐसा नाटक जिसमें कि सिर्फ एक ही अंक होता है, छोटा होता है ये। और इसका आरंभ जो वैष्णव संत थे शंकर देव जी, उनके द्वारा किया गया था, और बाद में उनके शिष्य आते हैं माधव देव, जो अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में और उत्तरी क्षेत्र में रामलीला का प्रचार प्रसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। वो पात्र भी चुनते थे, गांव से लड़कों को इकट्ठा करते थे और रामलीला का मंचन करते थे, मतलब दोहा चौपाई वो गाते थे और सामने जो पात्र हैं वो अपना एक्टिंग करते थे। तो रामनगर वाली रामलीला उसी तरीके से होती है। बनारस की जो रामनगर की रामलीला है बहुत फेमस है, तो वो उसी तरीके से होती है। एक व्यास जी होते हैं जो कि व्यासपीठ पर बैठे रहते हैं और वो रामायण की चौपाइयाँ गाते हैं और जो पात्र हैं वो संवाद नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ अभिनय करते हैं, ऐसा होता है। कहीं कहीं संवाद भी है क्योंकि अब इनोवेशन थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन पहले ऐसा जो उसका पुराना स्वरूप था वो एकदम हूबहू बिल्कुल तुलसीदास जी वाली रामलीला के ढर्रे पर चलता था। तो यहाँ आप देखें 16वीं शताब्दी में ये किया गया। और रामलीला जो उत्तर प्रदेश की है ये दशहरे के पहले, और रामनगर की जो रामलीला है वो तो पितृपक्ष यानी जो श्राद्ध पक्ष होता है उसके पहले दिन से ही शुरू हो जाती है और ख़त्म होती है बाद में। तो यहाँ आप देखें दशहरे के पूर्व की अवधि में गीतों, नृत्यों और संवादों पर आधारित रामायण का मंचन है, और आमतौर पर इसमें जो संवाद होते हैं वो रामचरितमानस की रामायण की नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ होती हैं। रामायण की चौपाइयाँ अगर गाएंगे तब तो समस्या हो जाएगी, वो संस्कृत की हैं और संस्कृत सबके समझ में नहीं आएगी, अवधि भाषा सरल है, लोग समझ लेते हैं। अब इसके बाद आप देखें रासलीला, तो रासलीला गुजरात क्षेत्र की है और उत्तर भारत में भी जो कृष्ण भूमि क्षेत्र है वहाँ पे हो जाती है कभी कभी। राधा और मतलब भगवान कृष्ण और राधिका जी का जो पवित्र प्रेम था, विशुद्ध प्रेम था, उसको दर्शाने का ये तरीका है। इसके बाद भूत आराधना है, जिसमें भूत का मतलब होता है आत्मा। यहाँ पर वो भूत प्रेत और डायन से तात्पर्य नहीं है, भूत का मतलब यहाँ आत्मा से है। और तटीय कर्नाटक, जो तटवर्ती तटरेखा वाला क्षेत्र है कर्नाटक का, वहाँ पे मृत पूर्वजों की पूजा करने के लिए ये एक प्रसिद्ध प्रथा है। और ये होता कब है, वो भी इसी समय होता है, जो अभी आपने देखा ना श्राद्ध की अमावस्या समाप्त हुई है, यानी 15 दिन का पितृपक्ष होता है, उस समय शुभ कार्यों को लोग रोक देते हैं और अपने पूर्वजों का खातिर करते हैं, मतलब आदर सत्कार करते हैं, तो उस वाली अवधि में इसको किया जाता है। इसके बाद है रमन, ये उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला इलाका है, कुमायूं नहीं याद रखिएगा, तो गढ़वाली क्षेत्र का ये कर्मकांडी नाटक है। इसमें रिचुअल्स होते हैं और ये स्थानीय भूमियाल देवता को समर्पित होता है। ये पहाड़ी देवता है, इन्हीं को ये अर्पित किया जाता है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मतलब यूनेस्को की कुल मिलाकर लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, जो उसकी प्रतिनिधि सूची है उसमें ये शामिल है। क्षेत्र आप याद रखें उत्तराखंड का गढ़वाली एरिया। इसके बाद है भवाई, ये राजस्थान का है। दसकठिया जो है ये उड़ीसा का है।
गरोड़ा गुजरात का है, गरोड़ा ब्राह्मण संप्रदाय की एक लोकप्रिय कला विधा है और रोमानियत और वीरता की कहानी का वर्णन करने के लिए रंगीन तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत बहुत रंगीला देश है, जिसने पूरे भारत को नहीं देखा उसने दुनिया जानने की कोशिश नहीं की। आप पूरी दुनिया में भटक आते हैं वीज़ा पासपोर्ट बनवाकर, लेकिन अगर एक बार कायदे से भारत दर्शन कर लीजिए, भारत दर्शन कर लीजिए यानी कोने कोने को देख लीजिए अपने देश के, तो आप कहीं ज़्यादा सीख पाएंगे। जितना कि दुनिया घूमने में आप नहीं सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा अपने देश के कोने कोने टहलने में सीख जाएंगे। तो यह वही चीज़ है। अब इसके बाद यात्रा, यात्रा ये पूर्वी भारत में प्रचलित है, इसमें कोई एक प्रदेश विशेष नहीं है, पूर्वी छोर। और करियला जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, मांझ ये मध्य प्रदेश का है मालवा रीजन का, और नौटंकी उत्तर भारत की है, स्वांग की एक शाखा है, नाटक इसमें करते हैं मतलब ढोंग रचते हैं। और आईने अकबरी में भी इसका काफ़ी चर्चा मिलता है, यानी ये मध्यकाल में भी चलती थी। और ओजापाली ये असम में है, अनोखी वर्णनात्मक ये विधा है नाट्य कला की, और मनसा देवी और नाग देवी के पर्व के तौर पे इसे मनाया जाता है, मतलब मनसा देवी को नागों की देवी कहा जाता है। पोवट ये महाराष्ट्र की है, यहाँ आप देख रहे हैं शिवाजी के द्वारा जब अफजल खान का वध किया गया था तो उस वीरता की प्रशंसा में ये नाटक, मतलब उसी घटना को चित्रांकित करने के लिए इसे रचा गया था। शिवाजी कदकाठी में अफजल खान से बहुत छोटे और कमज़ोर थे, क्योंकि अफजल खान का शरीर बहुत बलिष्ठ था और कदकाठी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, तो वो एक तरह से साक्षात जल्लाद था, और शिवाजी को मारने के लिए उसने अपनी भुजा के पराक्रम का इस्तेमाल किया। मतलब वो चाहता था कि जो उनकी पकड़ है, बाहों की पकड़ है, उसमें दबोच के वो शिवाजी महाराज को ख़त्म कर दे, और जैसे ही शिवाजी महाराज ख़त्म होंगे तो मराठा इसके वश में हो जाएंगे, ऐसा इसका सोचना था। शिवाजी जानते थे कि शारीरिक सामर्थ्य में वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं सीधे सीधे, अगर वो एक बार पकड़ लेगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए वो कूटनीति से काम लेते हैं। वो बघनखा पहन के जाते हैं, नुकीला नाखून, और उसको हाथ में ऐसे छिपाए रहते हैं, और गले मिलते हैं तो चीर देते हैं उसको, और जैसे शेर अपने शिकार को चीरता है तो वैसे ही वो चीर देते हैं। तो वो जो मंचन है, मतलब उस दृश्य का मंचन है, उसको यहाँ पे किया जाता है, और इसे कहा जाता है पोवट। इसके बाद है स्वांग। तो स्वांग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, लेकिन स्वांग के नाम से ये जो नौटंकी है ना, ये राजस्थान और हरियाणा की है। इसके बाद आप तमाशा देखें, महाराष्ट्र का है। भांडपाथेर जो है वो जम्मू कश्मीर का है। भावना, जिसे कि मूल रूप से भावना कहा जाता है, ये असम क्षेत्र का है। माजुली द्वीप, जो कि एकमात्र द्वीपीय जिला है, ये यहाँ का है, ब्रह्मपुत्र के बीच में है माजुली द्वीप, और काफ़ी बड़े साइज का है। दशावतार ये महाराष्ट्र का है, कोंकण क्षेत्र के किसान इसको करते हैं, और गोवा, उत्तरी गोवा में भी ये काफ़ी पॉपुलर है। नकल या भांडागिरी इसको कहा जाता है, कहते हैं अभी भी कोई भी किसी की मिमिक्री करता है और ऊटपटांग हरकतें करता है तो लोग कहते हैं कि भांडागिरी मत करो, जोकर बनने की कोशिश मत करो। तो भांडागिरी का मतलब ये भांड लीला से है, इसे भांड लीला या भांडागिरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में कहते हैं नकल। तो नकल आधारित प्रस्तुति होती है, किसी खास व्यक्ति की या किसी खास ओहदे की ये नकल उतारते हैं। ठीक, इसके बाद बिल्लू पट्टू, और आमतौर पर यह व्यंगात्मक होता है, चिढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था, अभी ये मंचन बन गया। बिल्लू पट्टू जो है ये असल में केरल और तमिलनाडु दोनों में है, दक्षिण भारत की नाट्य कला को आप देख रहे हैं। धनुर्गीत इसका शाब्दिक अर्थ होता है, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में लोकप्रिय संगीत नाट्य कला का एक रूप है, और उसमें रामायण की कहानियाँ जो कि धनुष के आकार के वाद्य यंत्र की सहायता से वर्णित की जाती है। धनुष में जैसे डोरी होती है ना, तो उसी डोरी पर एक छड़ी फेर कर सुर निकाला जाता है, आवाज़ निकाली जाती है। इसके बाद यक्षगान, तो ये तो कर्नाटक का है विशुद्ध, और बुर्रा कथा जो है वो आंध्र की है। पगति वे शालू, ये तेलंगाना और आंध्र, मतलब कुल मिलाकर अविभाजित आंध्र का ये पूरा रीजन जो है कवर होता था, अभी तेलंगाना उसी से अलग हो गया है। कृष्णा जिले में ये काफ़ी लोकप्रिय है। बायलता कर्नाटक का है, और ताल मड्डाले जो है वो कर्नाटक केरल दोनों में देखा गया। थेयम जो है वो केरल का है, प्रस्तुति केरल में की जाती है, और कर्नाटक की भूतकोल नाम की प्रथा, एक प्रथा के ये समान है, उसी से सिमिलरिटी रखता है। कुरुवंजी ये तमिलनाडु का है। तो ये हमने कुछ दक्षिण भारत के जो लोक नाट्य थे जिसमें कि नृत्य और संगीत दोनों होता है उसको देखा। अब आगे हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पशुओं के यहाँ प्रमुख रोग दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ रोग देख रहे हैं, उसके कारण मतलब किस कारण से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है, किस वजह से होता है, और इससे कौन से पशु प्रभावित होते हैं, चौपाया जीवों में या जिसमें भी ये होता है, तो कौन से पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो खुरपका और मुँहपका ये जितने भी पालतू पशु हैं सभी को हो सकता है, लेकिन मूल रूप से जितने मवेशी हैं, मवेशी का मतलब गाय और भैंस से है, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है, विशेष रूप से गायों में। वायरस से ये होता है और काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है अगर बढ़ जाए तो। इसके बाद नीली जीभ हो जाती है, नील जीवा इसको रोग कहा जाता है, ये भी वायरस से होता है। ये मुख्य रूप से ये भेड़ों में होता है,
और भेड़ के झुंड के पास, मतलब जो संक्रमित भेड़ है उनके झुंड के पास अगर बकरी भैंस गाय मतलब और भी चौपाया जीव आ जाते हैं तो उनको भी हो सकता है, छूत से हो सकता है। इसके बाद यहाँ पोकनी रोग है, तो ये वायरस से होता है। इन ये एक तरह का डायरिया है, लूज मोशन इसमें पशुओं को होने लगती है, चौपाया पशु जो होते हैं, और इतने पतले दस्त होने की वजह से वो जल्दी ही डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप होता है बाघी रोग, तो उसमें पेट में बहुत भयंकर मात्रा में गैस बनती है और पूरा पशु जो है वो एकदम देखते देखते फूल जाता है और अंत में मर जाता है। तो ये रोग है और ये भी वायरस से ही होते हैं। गाय भैंस और भेड़ को भी हो जाता है, सुअर को भी हो जाता है। इसके बाद गलाघोटू है, ये जीवाणु से होता है और गाय भैंस में ही ये देखा जाता है। गिल्टी रोग जो है ये जीवाणु से होता है और गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा इन सब में ये पाया जाता है। लंगड़ा बुखार ये गाय भैंस को होता है मूल रूप से और ज़्यादातर इन्हीं में देखा जाता है, जीवाणु से ये होने वाला रोग है। जो वायरस से होते हैं वो ज़्यादा भयंकर है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना लगभग असंभव जैसा हो जाता है अगर एक बार हो जाते हैं। टीकाकरण ही एकमात्र उसका उपचार होता है। थनैला रोग ये पालतू पशु जो दुधारू पशु होते हैं उनके अंदर होता है, थन में हो जाता है और थन इससे पूरी तरह से पक जाता है, पशु बेचैन हो जाता है और दूध देने में असमर्थ हो जाता है। कभी कभी दूध निकालते समय मांस के टुकड़े बाहर आते हैं, खून बाहर आता है, तो ये जीवाणु से होता है। इसके बाद निमोनिया, और ये भी देखा गया है कि जो विलायती नस्ल की गायें होती हैं जैसे कि फ्रीजियन गायें होती हैं या साहिवाल होती हैं जिनके थन अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ज़्यादा दूध देती हैं, उनमें ये रोग ज़्यादा देखा जाता है, देसी गायों में ये कम होता है। निमोनिया रोग जैसे इंसानों को होता है वैसे ही ये चौपाया पशुओं को भी हो जाता है, इसमें गाय भैंस बकरी भेड़ इन सबको होता है, ये जीवाणु से होता है। चेचक होता है, और अभी एक लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो चेचक जैसा ही देखने में आता है, फुटके फुटके पूरे शरीर पर पशु के पड़ जा रहे हैं। गायों को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और राजस्थान और पश्चिमी जो एरिया भारत का है वहाँ तो बेहिसाब गायें मर रही हैं, तो ये बड़ा ही विकराल रूप लेता जा रहा है। पिछले दो साल हमने इंसानों की महामारी का सामना किया कोरोना का, और अभी लंपी स्किन वैसे ही पशुओं की महामारी बनकर आया है, गायों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन चूंकि ये चमड़ी को प्रभावित कर रहा है और अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रभावित कर रहा है, तो ये किसी भी पशु को हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके मामले गायों में ही देखने के लिए मिले हैं और बहुत बड़े पैमाने पर पूरा लाशों का कब्रिस्तान इकट्ठा होता जा रहा है। तो फिलहाल चेचक जो है ये वायरस से होता है, जैसे इंसानों में होता है वैसे जीवों मतलब जो जानवर हैं चौपाया जानवर हैं उनमें भी होगा, गाय भैंस बकरी भेड़ इन सब के लिए। क्षय रोग जैसे ट्यूबरकुलोसिस मनुष्यों को हो जाता है वैसे पशुओं को भी हो जाता है। और मिल्क फीचर ये कैल्शियम की कमी से होता है, गाय में हो जाता है। जॉन रोग ये जीवाणु की वजह से होता है और गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर में ये पाया जाता है। सेप्रोलेग्रिया रोग ये कवक की वजह से होता है और मछली में हो जाता है। और गिलराट रोग जो है ये भी कवक की वजह से होता है, मछली में हो जाता है, मछलियाँ सड़ने लगती हैं, जिंदा ही सड़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक और है जिसका नाम ही है पंख या पूंछ सड़न रोग, इसमें उनकी जो पूंछ होती है पीछे का जो फिन होता है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, ये भी जीवाणु की वजह से होता है। दो जो है ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले कवक की वजह से होते हैं और ये नीचे वाला जो पूंछ सड़न रोग है ये जीवाणु की वजह से मछली में हो जाता है। इसके बाद तो इसमें रोग का उपचार कैसे करते हैं, अब एक एक मछली को पकड़कर तो नहीं कर सकते, तो पानी में ही दवा घोलते हैं जिससे कि उसका उपचार हो सके। इसके बाद संक्रमण गर्भपात ये जीवाणु की वजह से होता है, मतलब जो गर्भ ठहरने की स्थिति है वो नहीं हो पाती है। अफारा रोग ये दूषित आहार खाने की वजह से हो जाता है, कभी कभी जंगली घासों का सेवन करने की वजह से या सड़ा गला चारा खाने की वजह से ये जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं उनको हो जाता है, और इसमें भी वही गैस की समस्या होती है। इसके बाद अब मुर्गियों के रोगों को देखिए, तो पशुओं का रोग देखा, अभी पक्षियों में देखते हैं, तो रानीखेत डिजीज़। अब ये जो रोग है ये वायरस से होता है और बहुत भयंकर होता है, मतलब पूरे एक के बाद एक पोल्ट्री फार्म के फार्म जो है वो साफ होने लगते हैं, एक दिन में लाखों करोड़ों मुर्गियां मरनी शुरू हो जाती हैं, बहुत तेज फैलता है। और इसके लिए आती है वैक्सीन, तो F1 टीका होता है और R2V टीका होता है, मतलब वैक्सीन होती है जो कि लगानी पड़ती है। फाउल कालरा होता है, ये जीवाणु की वजह से है, और वैक्सीन और सीरम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फाउल पाक्स रोग वायरस की वजह से होता है, मतलब इसमें देखें एक तो बैक्टीरिया से हो रहा है, दूसरा वायरस से हो रहा है। चेचक का टीका इसमें लगाते हैं और त्वचा पे छाले पड़ने लगते हैं। आमतौर पे मुर्गियों में जब बीमारी फैलती है ना तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, जितनी संक्रमित है वो आमतौर पे ठीक नहीं हो पाती है, उन्हें हटाने के लिए ही कहते हैं डॉक्टर, और हटा देना या मार देना यही एकमात्र विकल्प बचता है। जो नहीं संक्रमित है उनको टीका देकर दवाई देकर रोका जा सकता है। अभी तक का जो मामला है वो यही है, और दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में अभी भी पक्षियों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी भी जो रेस्क्यू होते हैं, जैसे कि आप एनिमल रेस्क्यू टीम्स को देखते हैं, जैसे एनिमल एड अनलिमिटेड है, राजस्थान वाले एरिया में काफ़ी सक्रिय है,
यूपी में भी कुछ हैं और मेनका गांधी का अपना फाउंडेशन है, ये सब चलते हैं। तो ये पशुओं का इलाज आमतौर पर करते हैं, पक्षियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत में कुछ ऐसे फाउंडेशन हैं जो कि पशुओं के साथ साथ उतनी ही तत्परता से पक्षियों का भी इलाज करते हैं, लेकिन उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि विदेशों में। तो ऐसे में जो भी पक्षी संक्रमित होता है आमतौर पर या तो मारा जाता है या फिर उसे डंप कर दिया जाता है। तो अब यहाँ वही है, फिर इसके बाद पुलोरम को आप देख रहे हैं, इसमें मुर्गियों को सफ़ेद रंग के दस्त होते हैं और अंत में वो मारी जाती हैं। तो आहार में करीब 0.4% फ्यूराजोनी डॉन मिलाकर दिया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। संक्रामक कोराइजा, ये जीवाणु से होता है, इसमें नाक से लाल रंग का स्राव मतलब खून आप समझ लीजिए निकलने लगता है और इसमें भी वो मारी जाती है। आमतौर पर जो मृत्यु की दर है वो करीब 90% से 95% के बीच में होती है। सल्फा थायजोल को आहार में मिलाकर दिया जाता है ताकि जो संक्रमित नहीं हुई है वो न मरे। इसके बाद कॉक्सीडोइसिस, ये भी एक तरह का रोग है जो कि मुर्गियों के साथ साथ अन्य पक्षियों में भी हो जाता है जो मुर्गियों के संपर्क में आते हैं, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। खूनी दस्त लग जाते हैं और अल्फा मेथाजीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बर्ड फ्लू, इसका तो अभी तक कोई उपचार ही नहीं है। एक ही उपचार है कि भाई जो जिंदा बच गए हैं या जो संक्रमित नहीं है उनको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, और जो संक्रमित हो गए हैं उन्हें क्वारंटाइन करिए और मार डालिए और कहीं ऐसी जगह उनको डंप कर दीजिए जहाँ से संक्रमण फैल न सके। तो ये वायरस से होता है और महामारी है, मतलब महामारी का मतलब बहुत तेज रफ्तार में फैलने वाला है, पेंडेमिक है। तो ये कुछ हमने देखा। अभी थोड़ा सामान्य हिंदी को देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम देख रहे थे और यहाँ पर हम कुछ और पर्यायवाची देखेंगे, जैसे कमल का देखिए कई सारा है, बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ आप देख रहे हैं, लिस्ट कितनी लंबी है। उत्पल कहा जाता है, कुविलय कहा जाता है, इंदीवर कहा जाता है, और आप जानते ही हैं कि कमल एक ही तरीके का नहीं होता, मतलब सिर्फ जो गुलाबी मिश्रित लाल रंग का कमल आप देखते हैं सिर्फ वही नहीं होता, सफ़ेद कमल होता है, नीला कमल होता है, तो उसी हिसाब से नाम रखे गए। इसके अलावा पद्म कहा जाता है, नलिन कहा जाता है, सरोज भी कहा जाता है, सरो यानी सरोवर से तात्पर्य है और ज मतलब जन्म लेने वाला, अरविंद कहते हैं, शतपत्र कहते हैं, सरसिज कहते हैं, शतदल कहते हैं, सरीरूह कहते हैं, राजीव भी बोलते हैं, कंज बोलते हैं, अंभोज, पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक, वारिज, सरोरूह, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, ताम्रस, पारिजात, मकरंद, ये बहुत सारे नाम है कमल के लिए, इतने सारे प्रोनाउंसिएशन है और भी हैं लेकिन काम का सिर्फ इतना ही। कपड़े के पर्यायवाची को आप देखें, वस्त्र, दुकूल, पट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधान, उत्तरी या चुन्नी, कुछ भी आप कह लीजिए ओढ़ने वाला कपड़ा। तो जो मुख्य पर्यायवाची है इसमें चुन्नी तो कोई पर्यायवाची नहीं है, तो एक वस्त्र का नाम हो गया, लेकिन बाकी जो है वो कपड़े के पर्यायवाची। कल्प वृक्ष को आप देखिए, सुरतरु कहा जाता है, हरिचंदन कहा जाता है, मंदार भी कहते हैं लेकिन मंदार एक अलग पौधा होता है, और पारिजात कहते हैं इसे, देववृक्ष कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, कल्पशाल और कल्पद्रुम भी कहते हैं। शाल मतलब वृक्ष होता है, द्रुम मतलब भी वृक्ष होता है, कल्प मतलब जो कल्पना करिए वो दे दे, मतलब कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि आपका सरकारी नौकरी मतलब समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हो जाए तो कल्प वृक्ष आपकी इच्छा पूरी कर देगा, ऐसी मान्यता है। और ये कल्प वृक्ष देवराज इंद्र की जो अमरावती थी मतलब देवनगरी वहाँ पे लगा हुआ था और भगवान कृष्ण वहाँ से ले आते हैं और पृथ्वी पर लगाते हैं, तो इसे आमतौर पे हरसिंगार भी कहा जाता है। आजकल उसके फूलने का सीजन है, कहीं अगर हरसिंगार का पौधा होगा तो देखिएगा उसमें फूल लगे होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ कई कई शब्द जो है इसके लिए पर्यायवाची होता है। नाना, यहाँ ये नाना और दादा वाला नाना नहीं है, नाना मतलब ढेर सारा। और अनेक, विविध, एकाधिक और कई एक, ये सब जो है ये कई एक जो है ना ये कई का पर्यायवाची। कली, यहाँ आप कली को देख रहे हैं, तो कली का कलिका होता है, मतलब कली को ही कलिका भी बोलते हैं, कोपल भी बोलते हैं, जालक बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, मुकुल जो शब्द है ना ये कली के लिए ही है। और ताम्रपल्लव बोलते हैं, कल्पशाल बोलते हैं, नवपल्लव बोलते हैं, अखुआ बोलते हैं, ढोंडी बोलते हैं, ये सब गाँव के शब्द हैं, कोरक बोलते हैं, गुंचा भी बोलते हैं, शिगुभा भी बोलते हैं, ये सब। कंठ, कंठ के लिए ग्रीवा, गला, शिरोघंट, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं, शिरोधरा भी कहा जाता है। और गर्दन, कंधा, कंध, कंधर और घंटी बोलते हैं, ये सब शब्द हैं। कर के लिए यहाँ आप देखें, ये रहा, कर दो प्रकार के हैं, एक तो वो आयकर मतलब जो टैक्स होता है उसकी बात की जा रही है, और दूसरा जो है वो हाथ वाला कर है उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो हाथ कर का पर्यायवाची, हाथ, हस्त, बाँह, पाणी, भुजा, ये सब क्या है, हाथ को ही कहा जाता है। और दूसरा वाला जो कर है यानी टैक्स की बात अगर करें तो इसको शुल्क भी कहते हैं, महसूल भी कहते हैं और मालगुजारी भी कहते हैं। और देखें कल्याण का पर्यायवाची, उपकार, भला, शिव, शुभ, श्रेय, हित, मंगल, भलाई, क्षेम, वंचना, ये सब। इसके बाद कला का पर्यायवाची,
कर्तव्य, करिश्मा, शिल्प, कौशल, हुनर, विद्या, फन, ये सारे जो है ये कला के पर्यायवाची हैं। कन्या का पर्यायवाची आप देखें तो कुमारी, यहाँ आप देखें कुमारी, अविवाहिता, कुमारी, अनूढ़ा, इसके अलावा किशोरी, बाला, बालिका, ये सारे हैं। कबूतर के पर्यायवाची में आप देखें कपोत तो कहा ही जाता है, उसके अलावा हारीत कहते हैं, रक्त लोचन क्यों बोलते हैं कबूतर को अगर पकड़ कर आप देखिए या दूर से ही देख लीजिए तो उसमें उसकी आँख का रंग देखिएगा लाल होता है, एकदम बिल्कुल सुर्ख लाल होता है और इसीलिए इसको रक्त लोचन कहा जाता है। रक्त मतलब लाल, लाल रंग से तात्पर्य है, और लोचन मतलब नेत्र। पारावृत कहा जाता है, परेवा भी कहा जाता है। इसके बाद कटाक्ष को देखिए तो कटाक्ष को व्यंग भी कहते हैं, आक्षेप भी कहते हैं, छीटाकशी भी कहते हैं, हालांकि कटाक्ष का ये बिगड़ा रूप है छीटाकशी। कच्चा शब्द के लिए जो पर्यायवाची है उसमें अनपका है, अपक्व है, अपरिपुष्ट है, अप्रौण है, कालपूर्व है। कपड़े के लिए जो पर्यायवाची है उसमें परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीरपट, ये सारे आते हैं। और कथन के लिए बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार, ये सारे शब्द हैं। कटु के लिए कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा, कर्कश, रूखा, रुक्ष, परुष, कड़ा, कठोर, ये सारे पर्यायवाची आते हैं। अब लिस्ट के इधर वाले हिस्से यानी दाहिनी तरफ वाले पार्ट की ओर चलते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कार्तिकेय का पर्यायवाची दिया है। कार्तिकेय कौन थे? ये माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे और इनके लिए कुमार शब्द का इस्तेमाल होता है। षडानन भी कहा जाता है, षडानन मतलब छः मुखों वाले यानी छः आनन वाले। शर्भव और स्कंद भी कहा जाता है। इसके बाद किरण, किरण शब्द के लिए पर्यायवाची में कर, मरीची और मयूख भी बोलते हैं, अंशु भी बोलते हैं, रश्मि भी बोलते हैं, ये सब आपने देखा। इसके साथ क्रूर, क्रूर शब्द जो है इसके लिए पर्यायवाची में निर्दय, कठोर, दयाहीन, निर्दयी, बर्बर, निर्मोही, निष्ठुर, नृशंस, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। कुबेर के लिए जो पर्यायवाची हमारे पास है उसमें यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजाराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश, धनेश्वर, नृपराज, अधिपति, अर्थपति, अलकाधिपति, इंद्रनिधि, ईशखा, एक कुंडल, यहाँ आप देख रहे हैं किन्नर राज, कैलाशनाथ। अब यहाँ कैलाशनाथ से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे भगवान शिव से तात्पर्य नहीं है, ये कुबेर के लिए भी पर्यायवाची इस्तेमाल होता है। कोषनायक कहा जाता है, निधिवाहन, रिवाहन और पुण्य जनेश्वर कहते हैं, भंडारी इन्हें कहते हैं, यक्ष जाति के थे तो यक्ष इन्हें कहा जाता है, रुद्र सखा कहा जाता है, वित्तपति भी कहा जाता है, वैश्रवण कहा जाता है, श्रीकंठ सखा कहा जाता है और हथवाहन और हर सखा कहा जाता है। तो बहुत सारे इसमें इनके पर्यायवाची हैं और कुबेर जो थे ये रावण के भ्राता थे। रावण ने इन्हें पराजित करके इनसे पुष्पक विमान छीन लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें कुत्सित, तो कुत्सित के लिए जो पर्यायवाची है उसमें नीच, अधम, निकृष्ट, बुरा, खराब, घृणित, लंपट, हेय, गर्हित, ये सारे शब्द हैं। कूटनीति को देख लीजिए, कूटनीति के लिए छल बल, घात, दाव पेंच, कूट युक्ति, चाल, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। कुत्ते के लिए जो सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ग्रामीण शब्द है वो कुक्कुर है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसको संस्कृत में कहा जाता है श्वान और सुनक भी कहते हैं। सुनक भी शब्द जो है वो कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है। मृगारी कहा जाता है क्योंकि हिरण के जो छौने होते हैं यानी शावक होते हैं उनको ये मारकर खा लेते हैं, जंगली कुत्ते जो होते हैं। सोनहा कहा जाता है और गंडक भी कहा जाता है। इसके अलावा सारमेय कहा जाता है, ये भी एक शब्द है। तो ये माना जाता है कि भगवान इंद्र जो हैं वो एक कुतिया पाले हुए थे। शुरुआत कुत्तों की वहीं से होती है, वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये भेड़ियों से डेवलप हुए हैं, लेकिन जो पौराणिक कहानियाँ और वैदिक कहानियाँ हैं उसमें आपने सुना होगा गविष्टी, गवेशना होती थी, आर्य जो है वो पणियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते थे क्योंकि पणि लोग जो थे वो उनकी गायें चुरा ले जाते थे। तो एक बार भगवान इंद्र के गोष्ठ में जितनी गायें थी उनको चुरा कर ये जो निम्न कोटि के लोग थे वहाँ से भाग जाते हैं। तो भगवान इंद्र एक कुतिया रखे हुए थे जिसका नाम था सरमा, ये इस तरीके से इसका नाम था, और इसी के नेतृत्व में वो देवताओं को भेजते हैं क्योंकि कुत्तों की घ्राण शक्ति यानी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो वो सूंघते हुए पहुंच जाती है और गायों को खोज निकालती है। तो उसके बाद वो उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे ही जो वंशज हैं वो आगे इस प्रकार के काम में लगे रहेंगे और मनुष्यों का सहयोग करेंगे, इस तरीके की कहानी है। तो कहा जाता है कि इसी कुतिया के सारे पुत्र जो हैं वो आगे कुत्तों की वंशावली चलाते हैं। तो ये यहाँ हमने देखा। इसके बाद इसीलिए सारमेय कहा जाता है, इनकी माता का नाम सरमा था तो इसलिए सारमेय। अब कोयल को देखिए, कोयल के लिए पिक, कोकिल, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूती और काकपाली, कौवे के द्वारा पाली गई, तो ये सारे इसके पर्यायवाची। आप जानते ही हैं कि कोयल अपना घोंसला बनाने से रही, मतलब इस मामले में आलसी होती है तो वो कौवे से काम चला लेती है, कौवा और कौवी को बेवकूफ़ बनाती है और उसी के घोंसले में अंडा रखकर अपने बच्चे का पालन पोषण करवा लेती है, तो ये स्वार्थी और निष्ठुर होती है। इसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का पर्यायवाची आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी, एहसानमंद, ये सारे हैं शब्द, और भी हैं लेकिन इतना पर्याप्त।
इसके बाद कृष्ण, भगवान कृष्ण के पर्यायवाची में श्याम मनोहर वंशीधर, नाम का तो कोई अंत ही नहीं है लेकिन जितने हम लोग देख सकते हैं वो देखेंगे, श्याम मोहन वंशीधर माधव नंदलाल मुरलीधर गिरधर कन्हैया बनवारी वासुदेव, वसुदेव इनके पिता का नाम था, ध्यान दीजिएगा, आ की मात्रा लगाने और न लगाने से यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, वसुदेव पिता इनके पिता का नाम था, वसुदेव और देवकी की ये संतान थे और चूंकि ये वसुदेव के पुत्र थे इसीलिए इन्हें वासुदेव कहा गया, तो वासुदेव जो है ये भगवान कृष्ण का नाम है और वसुदेव इनके पिता का नाम है, तो यहाँ पर वासुदेव, और बनमाली भी इन्हें कहा गया, ऋषिकेश कहा गया, इसके अलावा गोविंद मुरारी मुकुंद दामोदर, दामोदर क्यों, क्योंकि एक बार ये मक्खन चोरी करते हैं और यशोदा माता को क्रोध आता है तो इन्हें ओखली से बांध देती है और ओखली से बांधने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करती हैं वो इनके पेट पर आकर छोटी हो जाती है, तो बार बार वो उसमें जोड़ती हैं और एक अंगुल दो अंगुल वो छोटी ही पड़ जाए, तो इसी से वो नाम पड़ गया इनका दामोदर, दामोदर मतलब दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर मतलब पेट, तो जिसके पेट पर माता ने रस्सी बांध दी हो, तो ये आपने देखा। इसके अलावा व्रज वल्लभ इन्हें कहा जाता है यानी व्रज के नाथ, गोपीनाथ कहा जाता है, क्षीरशायी कहा जाता है, भगवान विष्णु का ये पर्यायवाची है, अच्युत कहा जाता है अर्थात जो हमेशा स्थिर रहे, कभी भी उन्हें हटाया ना जा सके, उनके पद को छीना ना जा सके, अनंत जित कहा जाता है, अर्जुन सखाई ने कहते हैं, कंसारी कहते हैं अपने मामा के मामा को, उनके कर्मों का ये दंड देते हैं, कमल नयन किशन कुंज बिहारी केशव गिरधारी गोपेश घनश्याम चक्रधर चक्रपाणी जदुवीर दामोदर, ये सारे नाम हैं भगवान कृष्ण के, और भी हैं द्वारकानाथ द्वारकाधीश नंदनंदन पीतांबर मधु कैटभारी मधुरेश मधुसूदन यदुनंदन यदुनाथ, ये सारे शब्द हैं। इसमें से कुछ जो है वो भगवान विष्णु के भी पर्यायवाची हैं लेकिन उनको भगवान कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और भी है रास बिहारी वाष्णेय शंखधर सोमेश्वर, तो इतने ही पर्याप्त हैं, इतना भी अगर आपके दिमाग में रहे तो काम चल जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर्यायवाचियों में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए मलबंध मलबद्धता मलावरोध बद्ध कोष्ठ और कोष्ठबद्धता, ये सारे रोग हैं। इसके बाद कामदेव, कामदेव के लिए भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, मदन मनोभव पंचशर मार स्मर मनसिज मनमथ मीन केतु कंदर्व अनंग रतिपति मनोज मयन भी कहा जाता है, इसके साथ मकरध्वज बोलते हैं, कुसुम सर बोलते हैं, केतन बोलते हैं, पुष्पधनवा बोलते हैं, अंगज अतनु, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये अंगज है, और अदेह, अदेह इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार भगवान शिव की तपस्या भंग करने का इन्होंने प्रयास किया था, मतलब वो योग एक तरह से ध्यान मुद्रा में थे, जैसे कि समाधि अवस्था में हमेशा भगवान शिव रहते हैं आमतौर पर, योगी ही हैं, तो उनके तीसरे नेत्र पर ही ये अपने पुष्प बाण का प्रहार कर देते हैं तपस्या उनकी भंग करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि माता पार्वती के प्रति भगवान शिव का आकर्षण बढ़े और दोनों लोग संतति उत्पन्न करें, इसमें लोक भलाई ही थी, लेकिन भगवान शिव उनके इस तरीके से क्रोधित हो जाते हैं और तीसरा नेत्र खुल जाता है और ये भस्म हो जाते हैं। बाद में भगवान कृष्ण के पुत्र के तौर पे इनका फिर से पुनर्जन्म होता है प्रद्युम्न के नाम से, तो वो कहानी है, तो इनका देह नष्ट हो जाता है इसीलिए इन्हें अदेह या अशरीरी भी कहा जाता है। इसके बाद पंचशर बोलते हैं, मकर केतु और मीन केतु भी बोलते हैं। कारागार का पर्यायवाची आप देखें, कारावास बंदीगृह जेल कैदखाना इत्यादि, कानाफूसी का फिसफिस, कहते हैं ना कि आप फिसफिसा रहे हो तो मतलब खुसुर फुसुर मत करो, तो ये फुसफुस और खुसुर फुसुर भी पर्यायवाची है, ये सारे कॉमन शब्द हैं, मजा लेकर पढ़ेंगे तो मजा आएगा और याद भी रहेगा। अच्छा, काक का पर्यायवाची, तो काक का कौवा काग कांड वायस पिशुन करठ ये सब होता है, कामुकता विषयाशक्ति व्यभिचारिता भोगाशक्ति इंद्रिय लोलुपता और लंपटता, लंपट का भी मतलब वही है कामातुर। रास बिहारी वाष्णेय ये सब हमने भगवान कृष्ण के पर्यायवाची में ऊपर देख लिया है, यहाँ से देखिए कृपा अनुग्रह दया करुणा अनुकंपा ये सारे हैं। कंदरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गुफा गुहा खोह गह्वर ये सब है, और कंगाल का निर्धन दरिद्र अकिंचन गरीब, कंचन का सुवर्ण सोना स्वर्ण कनक, कपकपी का प्रकंपन थरथरी थरथराहट ये सब है, और केला केले के लिए कदली रंभा भानुफल मोचा गजवसा कुंजरासरा इसको कहा जाता है और कुंजर प्रिय भी कहा जाता है, असल में हाथियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, केला बहुत मन से हाथी खाते हैं। और केश के लिए यानी बालों के लिए, बाल तो ही है, उसके अलावा कच भी इन्हें कहा जाता है, अलग कहा जाता है, लट कहा जाता है, कुंतल कहा जाता है, काकुल कहा जाता है, हालांकि बाल के अलग अलग पार्ट को ये बोलते हैं। अब जैसे काकुल है तो जो सिर के पास मतलब माथे के पास जो लटें होती हैं और सिमटी हुई लटें होती हैं, तो उस तरह की जो अवस्था होती है उसको काकुल बोलते हैं, फूले फूले बाल थोड़े दिखाई देते हैं, और लट का मतलब लटकती हुई, जैसे बालों की लटें होती हैं, हीरोइन को आप देखें मधुबाला को देखिए तो उनके मुंह पे जो लटकती हुई लटें होती हैं उसको लट बोलते हैं, अलग भी उसी को बोलते हैं।
बाकी कुंतल जो है ये पूरी केश राशि को बोला जाता है। आमतौर पे जो लंबे काले बाल होते हैं मोटे उनको कुंतल बोलते हैं, और चिकुर बोलते हैं, पश्म बोलते हैं, मेचक बोलते हैं, एकदम जो घने काले बाल होते हैं उनके लिए मेचक कुंचित केश बोला जाता है, शिरोरुह बोलते हैं। इसके साथ क्रोध का पर्यायवाची आप देखें तो कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश, क्षोभ, रीस, ये सब है। और कृष्णसार, कृष्णसार हिरण को कहा जाता है, चमरी भी से बोलते हैं और सारंग भी बोलते हैं। तो ये सब आपने देखा। कुछ करंट अफेयर के पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ वन लाइनर डाटा है, इसमें आप देखें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। भारत और नीदरलैंड के बीच में विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पे एक ट्यूलिप की नस्ल को मैत्री का नाम दिया गया है। ट्यूलिप की बहुत सारी किस्में होती है, काफ़ी रंग बिरंगा होता है, मतलब अलग अलग रंगों के फूल इसमें लगते हैं, सुंदर लगता है। तो एक नस्ल को नाम दिया गया है मैत्री। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी जो NTCA है उसकी 20वीं बैठक हुई थी 9 अप्रैल 2022 को अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे। और NTCA के इतिहास में पहली बार इसकी बैठक राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के बाहर होती है। इसके बाद आप देखें तमिलनाडु में, तमिलनाडु से संबंधित नरसिंह पेट्टई नागस्वरम नाम का जो संगीत उत्पाद है इसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, मतलब GI टैग दिया गया है। यह आप नाम याद रखेंगे और ये संगीत उत्पाद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR आम्बेडकर की जयंती पर जो दिवस है उसको समानता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने आत्मनिर्भरता और शिल्प सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है, और पहली बार पश्मीना उत्पाद लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के बाहर तैयार किया जाएगा। पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है जिससे कि शॉल या जितने भी कीमती ऊनी वस्त्र हैं वो तैयार होते हैं। और देखिए वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों के द्वारा तैयार किए गए पश्मीना उत्पादों को वाराणसी में KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया। हाल ही में लद्दाख में लेह जिले के ग्या समोआ गांव जो है इसमें सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये लद्दाख का लेह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 26 मार्च 2022 को अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में राज्य के पहले ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कॉलेज का उद्घाटन किया है, और गुजरात देश में इस तरह के कॉलेज की स्थापना करने वाला 5वां राज्य बन गया है। ये 5वें नंबर का बन गया है, तो हाल फिलहाल का है तो पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। तो ये आप लोकेशन याद रखिएगा। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी जो NCRTC है उसके द्वारा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और यहाँ का जो जिला है सांबा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और उसका सांबा जिला जो है वहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत 100% घरों को कवर करने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, और इस तरह का भारत का ये पहला जिला बन गया है, तो बड़ी बात है ये। और देखें आप इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, इसका नाम है गगन, GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित ये नेविगेशन है असल में, तो इसका उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई है। इसके बाद आप देखें यहाँ ये पॉइंट में एक लगातार चल रहा है, आपस में इनका लिंक हो या ना हो ये आवश्यक नहीं है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन प्रणाली को विकसित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले ये जो खिताब है ये पहले अमेरिका और उसके बाद जापान और तीसरे नंबर पर भारत। आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में लाल किले पर योग महोत्सव का आयोजन करेगा। यहाँ आप देखें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है NRLM, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा HDFC बैंक को SHG बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक इसमें चुना गया है इसी के संदर्भ में, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक्सी वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला ये मुंबई में सामने आया था। यहाँ आप देखें इसके बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं तो उसमें से ये भी एक है। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव यानी सी पोंडी 2022 इसका उद्घाटन किया। तो ये उत्सव है, समुद्री उत्सव है। अब यहाँ आप देखें हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल अक्ष ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग आप याद रखें, और ये है क्या तो ये अक्ष नाम का जो है ये रेडियो चैनल है। 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है, यानी भारत के साहित्य की भी वहाँ अच्छी खासी पूछ होगी, इसका ये भी मतलब। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले जो है, ये ध्यान दीजिएगा महानिदेशक का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑड्रे अजोले, असल में आंद्रे अजोले इनका नाम है, यहाँ थोड़ा सा
जो हिंदी रूपांतरण है, उच्चारण है, वैसे दिया हुआ है। और वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर मैक्सिको के ग्वाडलजारो शहर को 2022 की वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर नामित किया गया है। तो ये दोनों तथ्य जो है ये पुस्तकों से जुड़े हुए थे, और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।